नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश वानी अस्तो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से मैं आपको चंद्र की महादशा के फल पढ़ा रहा हूँ कि चंद्र की महादशा के अंतर्गत डिफरेंट ग्रहों की अंतर्दशा अगर हो, चंद्र की महादशा हो और उसमें विभिन्न ग्रहों की अंतर्दशा हो तो किस प्रकार के फल मिलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आखिरी जो वीडियो बनी थी हमारी, लास्ट वीडियो, वो चंद्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा के बारे में था। तो आज हम चंद्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए मैं आपको शुक्र की अंतर्दशा के बारे में बताता हूँ कि शुक्र की अंतर्दशा चंद्र की महादशा में कैसी जाती है। देखिए, इसके बारे में ऋषि पाराशर जी ने बहुत साफ शब्दों में लिखा है। वो लिखते हैं, चंद्र स्या अंतर्गते शुक्रे केंद्र लाभ त्रिकोणगी। चंद्र स्या अंतर्गते शुक्रे, यानी चंद्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो और शुक्र कहाँ हो, केंद्र में हो, लाभ में हो, त्रिकोण भाव में। स्वच्छे स्वय क्षेत्र गए वापि, स्वच्छ राशि में हो यानी उच्च राशि में हो, स्वय क्षेत्र में हो यानी स्वय राशि में हो, अगर उसमें स्थित हो तो क्या होता है, राज्य लाभम करोति चय महाराज प्रसादेन वाहनंबर भूषणम। यानी राज्य लाभ प्राप्त होता है, राज्य लाभ प्राप्त होता है और उसके अलावा महाराज का कृपा प्राप्त होती है, अंबर प्राप्त, वाहन प्राप्त होते हैं, आभूषण प्राप्त होते हैं। देखिए इसमें क्या है, राज्य लाभ प्राप्त होता है। राज्य लाभ तो अब तो राज्य लाभ का मतलब वो नहीं होगा कोई राज्य को ही होगा। राज्य लाभ मीन्स कि आपको गवर्नमेंट से कोई बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाए, या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहां पे कंपनी से आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाए, वहां से आपको कुछ अचानक ही लाभ मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, तो वो राज्य लाभ बेसिकली हो गया। तो वो यही कहते हैं कि चंद्र की महादशा हो और उसमें शुक्र की अंतर्दशा हो और शुक्र अगर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हो, स्वच्छ राशि उच्च राशि का हो या स्वच्छ क्षेत्र का हो, तो राज्य लाभ होता है, महाराज का साधन मिलता है और अंबर आभूषण आदि की प्राप्ति होती है। चतुष्पाजी जीव लाभ, यानी कि जितने भी चौपाए होते हैं, जीव होते हैं, उनका लाभ मिलता है, पशु वृद्धि होती है। अगर घर में आपके गाय बैल भैंस, उस वक्त तो ये होता था कि घरों में गाय बैल भैंस हुआ करते थे तो उसमें वृद्धि को भी बहुत अच्छा माना जाता था। लेकिन आजकल चतुष्पाद जीव लाभ की जगह आप मान सकते हो कि वाहनों में वृद्धि हो गई, आपके घर में एक वाहन नहीं, दो वाहन है, तीन वाहन है, तो उस तरह की चीजें भी इसके अंदर आ जाती है। पति पत्नी का सुख प्राप्त होता है, संतान प्राप्ति होती है, सुगंध पुष्प माल्या आदि, यानी सुगंधित पुष्प की तरह सुगंधित पुष्प प्राप्त होते हैं, माला जी की प्राप्ति होती है, सुंदर पत्नी का संग होता है एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य संपदम यानी आरोग्य की प्राप्ति होती है, आप निरोग हो जाते हैं। तो चंद्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो और शुक्र अगर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हो, उच्च राशि का हो या स्वयं क्षेत्र का हो, तो ऐसी कृपा में धन धान्य की प्राप्ति होती है और जहां भी आप काम करते हैं वहां से कुल लाभ मिलता है, वाहनों की प्राप्ति होती है, अच्छा भोजन मिलता है, मिष्ठान भोजन मिलता है और आपको आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दशाधिपेन संयुक्ते देह सौख्यम महत सुखम सत्कीर्ति सुख संपत्ति ग्रह क्षेत्रादि वृद्धि। अब ये कहते हैं कि यदि शुक्र जिसकी अंतर्दशा है वो महादशा स्वामी से चंद्र से युत हो जाए तो ऐसे में क्या होगा। अगर जिसकी महादशा है, अंतर महादशा स्वामी चंद्र चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं और अंतर्दशा है शुक्र की, अगर दोनों ये युत हो जाएं तो क्या होगा। तो चंद्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा में शारीरिक सुख, ख्याति, संतोष, ऐश्वर्य, सत्कीर्ति, सुख संपत्ति, गृह क्षेत्र आदि पद्धिकृत, यानी मकान का प्राप्ति होती है, गृह क्षेत्र की प्राप्ति होती है, कृषि की प्राप्ति होती है। दशाधिपेन संयुक्ते, यानी अगर महादशानाथ और अंतर्दशानाथ आपस में संयुक्त हो जाए तो देह सौख्यम महत सुखम, तो देह का सुख मिलता है, ख्याति मिलती है, संपत्ति मिलती है, गृह घर का सुख मिलता है और घर की वृद्धि होती। इसके अलावा कहते हैं, नीचे वा स्तुंगते शुक्रे पाप ग्रह युतेक्षते भूनाश पुत्र मित्रादिनाशनम पत्नी नाशनम चतुष्पा जीव हानि स्यादर राजद्वारे विरोध करता। वो कहते हैं कि नीचे वा अस्त गते शुक्रे, अगर शुक्र नीच राशि में हो या अस्त होकर पाप ग्रह युते इक्षते मीन्स के पाप ग्रह से युत हो या दीक्षित हो। कहते हैं कि शुक्र अगर नीच राशि में हो, अस्त हो या पाप ग्रह से युत होकर, पाप ग्रह से युत हो या द्रष्ट हो, तो क्या होता है, भूनाश, भूमि का नाश होता है, पुत्र
पुत्र मित्रादि नाशनम, संतान की हानि होती है, मित्रों की हानि होती है, पत्नी नाशनम, पत्नी की हानि होती है, चतुष्पा जीव हानि यानी चौपाए जो होते हैं उनकी हानि होती है, तो आप कह सकते हैं आज के जमाने में वाहनों की हानि होती है, इन सब चीजों की जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी हानि होती है, राज द्वारे विरोध होता है और आपको अपनी कंपनी में अपने राजा के यहाँ पे जो भी है उससे विरोध प्राप्त होता है, गवर्नमेंट से विरोध प्राप्त होता है, अपनी कंपनी में विरोध प्राप्त होता है, ये सब चीजें प्राप्त होनी शुरू जाती हैं अगर शुक्र नीच में हो या अस्त राशि में हो और पाप ग्रह से युत या ग्रस्त हो, तो ये सब चीजें होती हैं। इसके बाद वो कहते हैं धन स्थान गते शुक्रे स्वच्छे स्वक्षेत्र संयुते निधि लाभम महत सौख्यम भूलाभम पुत्र संभवम। धन स्थान गते यानी धन स्थान में अगर शुक्र हो, शुक्र द्वितीय भाव में हो, स्व राशि स्वच्छे स्वक्षेत्र संयुते उच्च राशि में हो या अपनी राशि में हो, स्व राशि में स्थित हो, तो शुक्र की अंतरदशा में गुप्त निधि निधि लाभम, निधि लाभम मीन्स धन की प्राप्ति होती है, महत सौख्यम सुख की प्राप्ति होती है, भूलाभम भूमि का लाभ होता है, पुत्र संभवम संतान की प्राप्ति होती है। यदि शुक्र भाग्य लाभ आदिर्पियते, यदि शुक्र आपका जो भाग्य भाव का स्वामी है या लाभ भाव का स्वामी है उसके साथ युक्त हो तो भाग्य वृद्धि, भाग्य वृद्धि होती है, महाराज प्रसादेन महाराज का प्रसाद मिलता है यानी गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, कंपनी के अंदर प्रमोशन मिलता है, श्रेष्ठ सिद्धि सुभावहा सिद्धि होती है आपकी और सुख की प्राप्ति होती है, देव ब्राह्मण भक्तिश्च देवताओं ब्राह्मणों की में भक्ति होती है और आपको हीरे मोती या मुक्ता विमुद्र लाभ करता है, जो भी आपके मोती मुमा आदि रतन है उनका लाभ होता है यदि शुक्र द्वितीय भाव में स्व राशि में तथा उच्च राशि में स्थित हो, शुक्र द्वितीय भाव में हो स्व राशि में हो या उच्च राशि में हो तब की बात बताई गई है और शुक्र की अंतरदशा हो तब ये सब चीजें प्राप्ति की होती हैं। अब वो कहते हैं पराशर दायशील लाभ शुक्र त्रिकोण के केंद्र पी व गृह क्षेत्रादि प्रतिष्ठ वित्त लाभ हो मह सुखम। शुक्र यदि महादशा स्वामी से केंद्र त्रिकोण लाभ एकादश भाव में, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि शुक्र यदि महादशा स्वामी से नहीं, शुक्र यदि लगन से केंद्र त्रिकोण एवं लाभ भाव में हो तो शुक्र केंद्र दशा में मारे में पढ़ा था हमने, लेकिन यहाँ ये कहते हैं ऋषि पाराशर कि शुक्र यदि महादशा स्वामी से, महादशा स्वामी कौन है चंद्र है, यदि चंद्र से भी वो केंद्र त्रिकोण में लाभ भाव में होगा तो शुक्र की अंतरदशा में भूमि एवं संपदा की प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है, गृह छात्र वृद्धिश्च वित्त लाभ हो यानी धन की प्राप्ति होती है, महत सुखम सुख की प्राप्ति पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। तो ये भी एक श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है, इसमें कहा गया है कि शुक्र यदि महादशा स्वामी से केंद्र त्रिकोण अथवा एकादश भाव में हो तो शुक्र की अंतरदशा में भूमि एवं संपदा की वृद्धि होती है, धन लाभ होता है एवं पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। फिर कहते हैं दाय शाद रिपुन रस्ते व्यय व पाप संयुते विदेश व सदु ख्याति मृत्यु चौरादि पीड़नम। इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं दाय शादे रिपुन दस्ते व्यय, व्यय भाव मीन्स बारवा भाव, रिपु भाव, रिपु भाव मीन्स छठा भाव, रंध्र भाव, रंध्र भाव मीन्स अष्टम भाव, यानी शुक्र यदि महादशा स्वामी से, यदि शुक्र महादशा स्वामी से दाय शाद, यहां लगन से बात नहीं हो रही, शुक्र यदि महादशा स्वामी से त्रिक भाव में स्थित हो, छठे आठवें बारहवें भाव में स्थित हो या पाप ग्रह युत हो तो क्या होगा विदेशवास, पहले तो विदेशवास को आदमी एक तरीके से ये मानता था कि अच्छी चीज नहीं है, आज के जमाने में जरूर विदेशवास को लोग कहते हैं कि विदेश जाना पसंद करते हैं, लेकिन उस जमाने में विदेश जाना एक अच्छी बात नहीं होती थी, तो ये कहा जाता था कि ऐसी स्थिति में विदेशवास होता है दुख होता है, मृत्यु एवं चोर आदि से पीड़ा होती है, कब जब शुक्र महादशा स्वामी से त्रिक भाव में स्थित हो, यानी महादशा स्वामी जहां बैठा है उससे छठे आठवें और बारहवें भाव में शुक्र स्थित हो जिसकी अंतरदशा है और पाप ग्रह से युक्त हो तो विदेशवास दुख मृत्यु एवं चोर आदि से पीड़ा होती है। अब वो कहते हैं द्वितीय द्युनना थे तू यपे मृत्युम भवम भवेत तद दोष निपत्यत रुद्र पाठम च कार्ये श्वेताम गारजतम दद्यातम शांति माप्नुत संशयम शंकरस्य प्रसादेन नात्र कार्य विचारणा। यानी वो कहते हैं शुक्र यदि द्वेश या सप्तमेश हो, देखिए द्वितीय सप्तम भाव जो होते हैं मारक भाव होते हैं, तो वो कह रहा है कि शुक्र यदि द्वितीय या सप्तमेश हो
इससे पहले देखिए आपके जो श्लोक था उसमें यह दिया था कि शुक्र यदि द्वितीय भाव में स्थित हो उच्च राशि में, शुक्र यदि द्वितीय भाव में स्वयं राशि में या उच्च राशि में स्थित हो तो उसकी अंतर्दशा में गुप्त निधि की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, भूलाभ होता है। लेकिन यहां कहा गया है कि शुक्र यदि द्वितीयेश हो यानी सेकंड भाव का स्वामी हो, सेकंड भाव का लॉर्ड हो, या सप्तमेश हो सप्तम भाव का स्वामी हो जो मारक भाव है, तो अपमृत्यु का भय होता है उसकी अंतर्दशा में। और इस दोष के शमन हेतु रुद्री पाठ भगवान शिव का पाठ करना पड़ता है। सफेद गाय एवं चांदी का दान करने से ही भगवान शिव की कृपा से ही सुख शांति की प्राप्ति होती है। अगर शुक्र की सापी कुंडली में जिसके अंतर्दशा है द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो अपमृत्यु का भय रहता है उसकी अंतर्दशा। इस दोष के शमन के लिए रुद्री पाठ सफेद गाय एवं चांदी का दान करने से भगवान शिव की कृपा से सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो ये था चंद्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का फल। आशा करता हूँ आपको पूर्ण रूप से समझ आया होगा। और इसके अलावा बता दूं कि हम लोग नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जो भी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर शुरू से लेकर अंत तक, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।